राजधानी दिल्ली में उत्तर प्रदेश भवन के राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें उन्होंने दिल्ली प्रदेश की महिला अध्यक्ष के पद पर अलका सरोज पासवान को नियुक्त किया। साथ ही राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेहत अनुराग ने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला भी बोला है। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म हुआ, रेप बलात्कार हत्या जैसे जनहित अपराध खत्म हो गए तो दिल्ली में क्यों नहीं। अनुराग ने आगे कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले शराब को लेकर बढ़ावा दिया, फिर क्राइम कहां से खत्म हो सकता है। दिल्ली के अंदर इसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जमकर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने पठान फिल्म का भी विरोध किया है। मैं अभी 15 पहले राजनाथ बाबू जी के पास शो कराया, उनके घर पे था अभी मैं। अभी उनसे इसी बार चर्चा हुआ तो हमने कहा कि एक विशेष प्रस्ताव हमने दिया कि दिल्ली में जब केंद्र का सब हस्तक्षेप है तो बाबूजी कृपया इस तरह के मामले सीधे केंद्र सरकार सुने, दिल्ली के कब्जे से ले लिया जाए। जब ये लोग सक्षम नहीं है बेटियों को बचाने के लिए, ये लोग सक्षम नहीं है पब्लिक को मैनेज करने में, अपराध में, तो आप एक काम कीजिए, लिख के दे दीजिए, केंद्र सरकार अपना एक डिपार्टमेंट बना दीजिए अलग दिल्ली के अंदर, वो मैनेज करेगा। जिस प्रकार से पूरा देश चला रहे, वो यूपी देखिए ना, कभी यूपी का नाम लेते हैं कि ऊपर सड़कों के नाम पर यूपी का नाम आता, आज यूपी यहाँ से लाख गुना बेटर है। यूपी में अपराध नहीं, यूपी डकैती नहीं पड़ती, यूपी के अंदर सर्वधर्म जाति संप्रदाय के लिए काम होता है। मुसलमान को भी मुफ्त राशन दिया गया, ईसाई को दिया, सिख को दिया, हर किसी बेटी को पाल रहे हैं। यूपी एक रोल मॉडल बना है, योगी आदित्यनाथ एक वो सिंबल बने हैं इस सनातन धर्म के और सर्वधर्म संभाव के, जो पूरी दुनिया में मुश्किल है। तो दिल्ली पर असर पड़ना चाहिए और पड़ेगा, इसीलिए दिल्ली में काम शुरू कर रहे हैं। सर क्या योजनाएं रहेंगी, कुछ ऐसे बिंदु बताएंगे कि दिल्ली को लेकर आपने प्रमुख बिंदु बनाए होंगे जी, जो योजना का काम करेंगे। बेटियों को होम साइंस की शिक्षा की जगह आप शिक्षा की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। एक बेटी आईपीएस बनने के बाद भी रात में पति खाना बनाते बिना रसोई कभी देखे बना सकती है, होम साइंस छोड़ी सर्विस की ट्रेनिंग दीजिए। दूसरा कौशल प्रशिक्षण की शिक्षा दीजिए ताकि उसका पति को नकारा निकल जाए, शराब पी एक्सीडेंट हो जाए तो कमा सके, उसको कोठा पाने जाना पड़े। दूसरा बेटियों का त्वरित एक्शन लिया जाए, किसी बेटी साथ में अपराध होता है उसको थोड़ा देखे, ऐसा वेबसाइट बनाया जाए जो सेकंड डो में जिस प्रकार से आप लगाते हैं उसको कैप्चर किया जाए। दूसरा जो भी अधिकारी इसमें लिप्त पाया जाए पहले उसको सस्पेंड किया जाए, तत्काल प्रभाव से जांच दी जाए दूसरे थाने में, किसी भी अपराध की जाँच उसी थाने क्षेत्र में ना दी जाए, वहाँ मैनेज हो जाता है तो दूसरे थाने में जाँच दी जाए ताकि वहाँ पर चलता रहे। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।